नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ी अपडेट के बारे में, बड़ी खुशखबरी को लेकर उन सभी छात्रों के लिए जो काफ़ी लंबे समय से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर वो लखनऊ के अंदर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो ऐसे में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, शासन आदेश जारी कर दिया गया है। वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ सबसे पहले मिलती रहें। इस चैनल के माध्यम से लगातार आप सभी को बताया जा रहा था कल से ही कि शासन प्रशासन की तरफ से चुनाव को मद्देनजर रखते हुए छात्रों को यहां पे एक बड़ी जीत दी जा सकती है। उसी को लेकर यहां पे दोस्तों आप सभी को शासन आदेश देखने के लिए मिल जाएगा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंदर अगर बात की जाए, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 70,000 पदों पे जो नई भर्ती है वो की जाएगी, जिसको लेकर जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के माध्यम से अपने कार्यालय कक्ष में यह जानकारी देते हुए बताया गया कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को दूर करने के लिए आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए यहां से जो भर्ती है वो शुरू की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। जानकारी ये भी देखने के लिए मिलती है कि अगर बात की जाए सूचना को विज्ञान केंद्र प्रोसेस फॉलो के माध्यम से 24/12/2021 को यहां से उपलब्ध करा दिया जाएगा। राज्य सूचना विज्ञान केंद्र प्रोसेस फॉलो प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की चयन सूची दिनांक 28/12/2021 तक तैयार करेगा। साथ ही राज्य सूचना विज्ञान के माध्यम से 29/12/2021 तक यहाँ से इसका जो प्रकाशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। सूची 30/12/2021 को जारी की जाएगी और जनपद स्तर पर अभिलेखों का जो परीक्षण होगा वो 3/1/2022 को आपको देखने के लिए मिलेगा और 5/1/2022 तक यहाँ से आप सभी को आगे की कार्यवाही देखने के लिए मिलेगी और 6/1/2022 को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए जाएंगे। डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के माध्यम से यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1,37,000 पदों को भरे जाने को लेकर यहाँ से जानकारी देखने के लिए मिली थी। सरकार की तरफ से 68,000-69,000 शिक्षक भर्तियाँ निकाली गई थी, जिसमें से लगभग 70,000 पदों पर नई भर्ती कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो ये जो नई भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी, ये उन सभी छात्रों के लिए होगी जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर रह गए थे, 60-65 पे क्वालिफाई होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल पाई थी। अब उनके लिए यहाँ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, इन 17,000 पदों को जोड़कर यहाँ से जो भर्ती है वो की जाएगी, जिसको लेकर जानकारी मैंने आप सभी को पहले से दी थी। अभी यहाँ पे सारा का सारा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।